कुछ ऐसा सीन। आराम से आराम से। हेलो दोस्तों, राम राम, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए संडे राइड पे। आज हम जा रहे हैं अपने नोएडा हाईवे मसाला और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा शीशा बंद करने के बाद, और शीशा खोलने के बाद आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। दोस्तों मौसम तो बारिश का बना हुआ था, बट अभी थोड़ा सा ठीक हो गया है मौसम, तो हमने सोचा चलो भाई राइड कर लेते हैं आज का। बाकी मैं थोड़ा जल्दी निकल गया क्योंकि भाई हवा डलवाना था अपने को, तो हमने हवा तो डलवा लिया है और जितने भी बंदे हैं हमें महामाया पे मिल रहे हैं, तो चलते हैं महामाया बिना किसी देरी के, भगा के, और दिखाते हैं आपको कौन कौन आने वाला है। देख लो भाई यमुना में पानी नेक्स्ट लेवल पूरा भर चुका है दिल्ली के अंदर, तो पता नहीं ये कितने दिन में कम होगा, पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ सही से आ रही होगी या नहीं, क्योंकि भाई हेलमेट का शीशा मेरे को खोल के चलाना पड़ रहा है क्योंकि भाई इसके शीशे जो है वो ब्लैक है और बंद करने के बाद सही से दिखता नहीं है। तो मेरे भाई ये पेट्रोल हमने डला लिया है और सारे भाइयों का फ़ोन भी आ गया कि भाई मिटअप पॉइंट पे सारे बंदे मिल गए या नहीं, तो मैंने बोला भाई पहले सारे आ तो जाओ, मैं तो भाई पास में हूँ। और हर बार भाई तुम्हारा भाई सबसे आगे रहता है, चाहे राइड स्टार्ट हो या पहुँचने की बात हो, दोनों में। और सुबह हो गई मामू, अब हमें शीशा बंद करके चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हम सारे यहीं पे मिलने वाले हैं, तो मैं यहीं पे साइड में लगाता हूँ अपनी बाइक क्योंकि उसके नीचे थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है। तो भाई अपने सारे भाई आ चुके हैं और आप देख सकते हो कितनी सारी बाइक्स आज, और दो तीन बाइक और आनी है और तीनों बाइक अभी आती है, तो हम यहाँ से निकलते हैं अपनी राइड स्टार्ट करते हैं, तो राइड पे दिखाते हैं आपको सारा मज़ा। वो सारे आ चुके हैं और दो रह रहे हैं, तो वो पेट्रोल डलवाने चले गए, तो हम बोल रहे हैं हम आगे निकलते हैं और मिलते ही नहीं, मतलब वो हमें। कितनी सारी बाइक्स है, चलो सौरभ भाई।
मजा आ गया भाई के चक्कर में। इनके चक्कर में भाई यही होता है यार, अभी तक हम पहुंच जाते हैं हाईवे मसाला। हाँ तो भाई अंकल को बाइक काफ़ी अच्छी लगी, अंकल बोल रहे कि चलो भाई फ़ोटो खिंचा लो यार, मैं लाइव बिल्कुल अंकल ले कर। तो भाई सबने प्लान करा कि हम बारिश में ही निकलते हैं, चलते भाई आज बारिश में। चलो भाई भाई, ये बारिश यहाँ रुक गई है और हमने सोचा कि चलो भाई अपना GoPro दोबारा लगाते हैं। चलो भाई मैं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ चलो। शिट अंदर अंदर चली गई बाइक उड़ के। कोई बात नहीं, सब ठीक है। बाइक अंदर चली गई उसमें। हेड है अब ये निकलेगी कैसे क्रेन? बाइक कैसे निकलेगी भाई? बाइक निकल पाओ भाई, टो करवानी निकल। नहीं आ जाओ। ठंडी एग्जॉस्ट अभी ठंडा होने दो, रुक जाओ वरना उठा भी नहीं पाएंगे हम लोग। एग्जॉस्ट ठंडा होने दो वरना उठा भी नहीं पाएंगे। अरे भाई वो गर्म हो गया, मत छुओ यार। हाँ भाई
भाई पहले दो मिनट बैठ जाओ, बाइक निकाल लेंगे आप अब। हाँ दो मिनट बैठ जाओ, अभी पता भी नहीं लग रहा होगा। अभी आप निकालेंगे, बाहर आ जाओ, बाइक को निकलवा दे, कोई दिक्कत नहीं। आप उठ जाएगी, कोई नहीं उठा। हाँ चाबी ढूंढना जरूरी है भाई यार, चाबी देख लो यार, चाबी ढूंढना जरूरी है भाई। लॉक हो गया क्या वो? कुछ ऐसा सीन हो गया कि भाई हम जा रहे थे हाईवे मसाला और हम सर्विस रोड पे इस वक्त, और भाई हुआ ऐसा कि भाई बीच में कुत्ता आ गया और मेरे को इंस्टेंट ब्रेक मारना पड़ा, और ब्रेक मारते भाई मेरी गाड़ी रोल होने लग गई, दो तीन रोल हो गई, और मेरे ये पैंट वेंट फट गए हैं थोड़े से, और भाई गाड़ी है उस तरफ देख सकते हो, और ये सारे भाई हंस रहे हैं मेरे पे यार और भाई पूरा पैंट वेंट फट चुका है, यहाँ से मैंने ये डाल रखा है, नहीं तो ज़्यादा कुछ दिख जाएगा। तो गाड़ी हमारी उस तरफ खड़ी है और आधे पार्ट वहाँ रखे हुए हैं, पूरी बैटरी वैटरी सब निकल गई है गाड़ी की। अब भाई टो करने वाले को बुलाया है, वो टो करके लेके, एक बार मैं बाइक दिखाता हूँ आपको, गाड़ी आ रही है, एक मिनट मैं आपको बाइक दिखाता हूँ एक बार। ये देखो भाई बाइक का हो गया कुछ ऐसा सीन, बाकी ज़्यादा डैमेज नहीं है, फेयरिंग टूटी है इसकी और चेसी मुड़ी है, बाकी कोई डैमेज वगैरह वैसा कोई इशू नहीं है कोई बड़ा वाला। और बाकी सामान वो रहे, मैंने हेलमेट और राइडिंग गियर्स पहन रखे थे मैंने पूरे, बट ये नीचे नहीं पहन रखा था मैंने पैंट राइडिंग वाला, तो ये पैंट वगैरह मेरा फट गया। और भाई अब पवन को बुलाया है, पवन देखते हैं भाई कितना सुनाता है मुझे।